Hi guys and welcome to another vlog. आज हम एक different type of vlog करने वाले हैं, जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने 13 features unlock करवाए थे, उससे मेरी गाड़ी में क्या problem आ रही है। एक issue मेरी गाड़ी में starting से address कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ मतलब कि वो ये हो रहा है कि जब भी मैं गाड़ी अपनी चला रहा होता हूँ तो suddenly बीच में कभी कभार एक दो बार होता है कि rear जो मैंने DRL on करवाए थे उसमें से left या right में से कोई एक DRL मेरा off हो जाता है अपने आप चलती गाड़ी में, तो उसको मेरे को ठीक करने के लिए गाड़ी को स्टॉप करना पड़ता है एक बारी कम्प्लीटली, मतलब बंद करना पड़ता है, इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद हो जाता है कि, और जब ऑन करता हूँ मैं वो वापस ठीक हो जाता है। तो बस उसी को रेक्टिफाई करने के लिए आज हम आए हैं, और इस OBD पोर्ट केबल से मैं अपने OBD पोर्ट को कनेक्ट करूंगा लैपटॉप से, और ये जब पूरा कनेक्शन हो जाएगा और डायग्नोसिस हो जाएगा तो फिर देखते हैं आगे होता क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ एक माइनर सा कोई ग्लिच है, क्योंकि उसके अलावा और तो कोई इशू आ नहीं रहा मुझे। सिर्फ एक और मेरे को एक बार इशू आया था कि मेरा जो ये इन्फोटेनमेंट है ये बूट अप करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा था, तो बस वही दो इश्यूज हैं, लेकिन वो एक दिन हुआ था। और टेल गेट वाली जो चीज़ है वो तीन बार हो चुकी है टेल लाइट वाली, तो अभी देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकलता है। तो भाई अभी हम बैठे हुए हैं गाड़ी में और यहाँ पे सारा जो काम हो रहा है वो हो रहा है, टीम व्यूअर से मैंने एक्सेस दिया हुआ है जिनसे मैंने करवाया था, और गाड़ी अपनी यही है OBD पोर्ट केबल से। अभी उन्होंने कनेक्ट करने को नहीं बोला, जब कनेक्ट करने को बोलेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कनेक्शन कैसे होता है इसका, और उसके बाद फिर चलते हैं आगे, क्योंकि पहली वीडियो में सबने मेरे को ये बोला कि ये कराया कैसे, प्रोसीजर भी दिखाओ, तो अब मैं ये दोबारा ठीक कैसे हो रहा है इसका प्रोसीजर दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ऐसी चीज़ होती कैसे है। तो भाई अभी मेरे पास उनका मैसेज आ गया है कि भाई अब गाड़ी को कनेक्ट कर लो एक बार ये OBD पोर्ट केबल से, और उसके बाद फिर वो देखते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम हुई क्या है अंदर। उन्होंने बोला था, अभी मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो सकती है और ये यूजुअली होती नहीं, और उन्होंने बोला हाँ बस OBD पोर्ट से कनेक्ट कर लो, मैं देख लेता हूँ और कुछ होगी तो रेक्टिफाई कर दूंगा उसको। तो भाई अभी मैं OBD पोर्ट केबल को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ OBD पोर्ट से, इसमें कनेक्ट होता है यहाँ से, और इसको यहाँ से अभी हमें बस इंसर्ट करना है और इस पिंक वाले उसमें कनेक्ट हो जाता है। तो भाई ये केबल अपनी यहाँ से कनेक्ट हो गई और ये रखा लैपटॉप, यहाँ से पूरा कनेक्टेड है, और अब गाड़ी का जो ECU है वो अनलॉक हो चुका है और लैपटॉप में वो सारा डिस्प्ले होगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसमें। तो भाई अभी बोनट खोल दिया हमने और उन्होंने बोला कि बताया मेरे को कि ये होता क्यों है रीज़न इसका, तो उन्होंने बोला कि अब इन्होंने कंपनी वालों ने फायरवॉल लगा दिए, जिसकी वजह से अब आप सिर्फ जब बोनट खोलते हो तभी ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते हो। तो ये एक नई चीज़ है, क्योंकि जब मैंने विंटो को भी अपनी ECU ट्यून कराया था उसमें भी ये चीज़ नहीं थी, और अब मेरे को इसको दोबारा से एक बार OBD पोर्ट में लगाना पड़ेगा बोनट खोल के, क्योंकि ये चीज़ मैं भूल गया था। तो भाई फाइनली OBD पोर्ट केबल से सब कुछ एस्टैब्लिश करने के बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है, और अब गाड़ी का जो बोनट मैं आपको एक बार दिखाया था, बोनट खुला हुआ है गाड़ी का, और यहाँ से हमारे लैपटॉप में जितना भी काम हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है वो, और उन्होंने मेरे को बोला है कि अभी जैसे ही वो डायग्नोसिस कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर वो इन्फॉर्म करते हैं कि ये हुआ क्यों है और रेक्टिफाई करेंगे फिर। सेकेंडली उन्होंने एक चीज़ बोली कि इंजन ऑन कर दो, जो कि जिसके बाद ही आप मतलब गाड़ी का कंट्रोल दे सकते हो किसी भी CPU को, जब आप यूज़ कर सकते हो फिर। तो हाँ बस यही है अभी, तो फिर वेट करने को बोला उन्होंने मेरे को, डायग्नोस कर रहे हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा ठीक है। तो भाई उन्होंने अभी बोला है कि इंजन ऑफ कर दो गाड़ी को और इग्निशन में डाल दो, तो अब मैं बस यहीं से स्टार्ट स्टॉप दबाऊंगा इसका, और अब मैं एक और बार स्टार्ट स्टॉप दबाऊंगा बिना ब्रेक दबाए, जिसकी वजह से मेरा इग्निशन ऑन हो जाएगा, और अब मेरा इग्निशन ऑन हो चुका है जैसा कि दिख रहा है आपको, इंजन ऑफ हो चुका है। लेकिन आप देखो यहाँ पे ये वाला इसका एक सिंबल आ जाता है जब आप ऐसी कोई भी छेड़खानी करवाते हो ECU से, ये सिर्फ तब के लिए है जब तक मेरी गाड़ी के अंदर मैंने ये OBD पोर्ट केबल कनेक्ट की हुई है, जब ये हट जाएगी उसके बाद फिर ये हट जाएगा अपने आप। नहीं फीचर तो कोई चेंज नहीं कर रहा, मेरे को आपसे बस ये पूछना था जो इसका जो इन्फोटेनमेंट था, तो जो उसकी बूटिंग अप हल्की सी स्लो हुई पड़ी है उसमें कोई इशू तो नहीं है ना, उसके अलावा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है? क्या क्या एरर्स थे वो? अच्छा तो वो तो डिलीवरी से पहले के हैं फिर तो वो। ओके थैंक यू सो मच। तो भाई अभी बात करके यही रिजल्ट निकला, उन्होंने बोला कि एक एरर आ रहा था, वो लाइट्स का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था कि गाड़ी के अंदर जो है उसकी टेल लाइट्स DRLs में और जो नॉर्मल टेल लाइट्स होती हैं उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, ओवरलैपिंग थी कोई कॉन्फ़िगरेशन, उस वजह से वो थोड़ा सा एरर आ रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये एरर अब मैंने हटा दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। इस एरर की बेसिकली रीज़न यही था कि ये जो है एरर, ये जब मेरी गाड़ी ऑटो लाइट्स ऑन करती थी शाम को उस टाइम, हाँ मैंने ध्यान दिया अभी उसी टाइम पे होता था ये, तो बेसिकली ये था कि लाइट्स ऑन होती थी और DRL मेरी ऑलरेडी जली होती थी, तो वो दोनों चीज़ें ओवरलैप हो रही थी और इस वजह से ये एरर आ रहा था, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया, उन्होंने वो दोनों चीज़ें सेपरेट कर दी और फिर ये अब ठीक हो चुका है। उन्होंने बोला कि OBD पोर्ट से एक बार डिस्कनेक्ट कर दूँ, और अब मैं आपके सामने ये डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ
इसको यहाँ से बस नीचे ऐसे पुल करना होता है और ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा फर्म होता है ये। और सेकेंडली बस लैपटॉप से इसका कनेक्शन हटाना होता है। तो अभी ये दोनों चीज़ें कनेक्शन हो चुकी हैं, अब मैं बोनट बंद कर दूंगा और होपफुली वी आर गुड टू गो। उन्होंने यही बोला कि अब अगर कोई एरर आए, वैसे उन्होंने बोला एरर कोई आएगा नहीं, लेकिन अगर बाई चांस कोई आए तो फिर वो हम रेक्टिफाई कर देंगे। और ये जो भी एरर्स होते हैं ये रेक्टिफाई करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और बस व्लॉग यहीं का यहीं तक था, फिर उसके अलावा कुछ और तो है नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप। सब बार बार भूल चुका हूँ, अब आपको याद भी हो गया होगा, लास्ट में ये बोलता हूँ मैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।